कंपटीशन के बारे में कुछ चेक कर रही थी। आप भी कम्पीट कर रही हैं क्या? मैं सोच रही थी, पर उस कंपटीशन में एंटर करना अच्छा नहीं लगता जो मेरी मॉम ने ऑर्गेनाइज करवाया। ऐसा नहीं है मिस चाकला, आपकी माँ और जूरी बिना नाम जाने इवैल्यूएट करेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि पार्शियलिटी हुई है, जो डिजाइन अच्छा होगा वही जीतेगा। ऐसा कुछ भी मत सोचिए मैम। तब मैं सोच सकती हूँ? आपको बस एक फॉर्म भरना होगा। ओह, तो मैं जरूर हिस्सा लूंगी। मेरे लिए एक फॉर्म ले आएंगे प्लीज? जरूर मिस चाकला। सिंपल ड्राइंग्स के बेसिस पे झोपड़पट्टी की लड़की कैसे जीतेगी? हेलो सर। वेलकम असल। क्या तुम क्लास ज्वाइन करने आई हो? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। एतराज किस बात का? चलो शुरू करते हैं। हाँ, बाय द वे, मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स कंपटीशन में भेज दिए। आपको क्या लगता है, मेरे जीतने के चांसेस हैं? हाँ, क्यों नहीं। आई होप सो। ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं अपने स्किल को प्रूव कर सकूं, और प्राइज मनी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारी पढ़ाई के लिए? नहीं, उसके लिए नहीं, असल में मुझे घर रेंट पे लेना है। क्या, तुम्हारा घर? हमारा घर बिक चुका है, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जिस लॉज में मेरी मॉम काम करती है उसी लॉज में हम रहते हैं फिलहाल के लिए। समझा। तुम्हारे स्किल्स पे मुझे पूरा यकीन है, ऊपर वाला जरूर साथ देगा। काश ऐसा ही हो। तो आज हम पेंसिल ड्राइंग सीखेंगे, तुम तैयार हो हम शुरू करें? हाँ हूँ। हैंडसम लग रहे हो। क्या सच कह रही हो? हाँ। तुमसे तारीफ सुन के अच्छा लगा। तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। जैसा तुम चाहो। एल्चिन, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। सुनो, मेरा और बशाक का कोई लेना देना। सिनान, मैं जानती हूं इस बारे में हम डिनर पे बात कर सकते हैं। डिनर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक मिनट। रेता बेटी, कब आई तुम? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गई? आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं डैड। लेकिन आजकल तो आप उस औरत के अलावा किसी को देख ही नहीं पाते। एदा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मुझे हर्ट कर रही हो। डैड, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मुझे आपको परेशान करना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपकी लवर अकेली खड़ी है, जाइए उनके पास। एदा। डैड, आपसे ज्यादा टाइम तो मेरी मॉम मेरे साथ बिताती है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं मॉम के साथ ही रहूंगी, क्योंकि आप तो कभी होते ही नहीं हैं। भूल गए हैं आप मुझे। मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। Come on, हिता। सिनान, क्या हिता मेरी वजह से चली गई? नहीं नहीं, वो उसको कुछ काम था इसलिए वो चली गई। याद है ना सिनान, क्या बात हुई थी हमारे बीच में, तुम मुझे सच बताओगे? बहुत मूडी है वो, क्या कहूँ। चलो अब अपना दिन नहीं खराब करते अलचन, ठीक है? मिस्टर बुराक ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की, उन्होंने अकेले टूर्नामेंट की एक एक चीज अरेंज की है। हाँ, तुमने एकदम परफेक्शन से काम किया है। ऐसा नहीं है, मैंने बस कोशिश की। एक बार ये प्रोग्राम अच्छे से हो जाए फिर आप ब्रेक ले सकते हैं। उम्मीद है सब सही होगा।
मेरा हैंडसम बेटा, एक बार अगर इसने कुछ ठान लिया ना तो करके ही मानता है। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छा खेले। कॉन्ग्रेट्स अंकल, बुरा मत मानिएगा लेकिन बुराक ना लड़कियों की तरह खेलता है, उसकी वजह से हार गया आज। बुरा मत मानना भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। इस तरह के और मैचेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए आपको, कितना ज्यादा मजा आया। अगला मैच माँ बेटी की टीम का होना चाहिए, तुम और चारला एक टीम, मैं और एडा एक टीम, है ना? और मुझे लगता है एडा भी एक्सेप्ट जरूर करेगी, है ना? माफ कीजिए, मैं बहुत लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। लो चारला भी आ गई। हाँ, कौन जीता फिर? तुम्हें क्या लगता है कौन जीता होगा चारला? ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे, क्या कर सकते हैं, वो अच्छा खेले तो जीत वो डिजर्व करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। I'm sorry अंकल, मैंने वहाँ वो बात सिर्फ पुराक को छेड़ने के लिए कही थी और कुछ नहीं। इन दिनों तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है और कोर्ट पर भी यही दिखा रहे थे, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी बेटा। खुशी की वजह से जब किसी की प्राइवेट लाइफ अच्छी हो तो उसका असर हर चीज पर होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि पुराक आज इतना बुरा क्यों खेला? हाँ, अरे एक मिनट वॉल्कन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ कह सकते हैं कोई तो है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं बेटा। कौन है वो, मतलब वो किस फैमिली की है, कैसी है? ओ मेरे बच्चे, बस तुम हमेशा खुश रहो। अच्छी लड़की है, स्वीट है, काइंड है और ब्यूटीफुल भी। क्या सच में? मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो। अरे सिर्फ तुम ही क्यों, मुझे भी जानना है। अगर वो सिनान से मिल चुकी है तो बहुत स्पेशल होगी, है ना? उसे हमसे कब मिलवाने वाले हो बेटा? बहुत जल्द मिलवाता हूँ आंटी। बुराक तो जानता होगा उसे। तुम्हें कैसी लगी वो? नहीं, मैं नहीं मिला हूं। हाँ, बुराक भी उसे अभी तक मिला नहीं है। ये तो सरप्राइज है। मिस्टर निहात, प्रेस फोटो लेने के लिए आपका वेट कर रही है। हाँ ठीक है, हमें प्रेस वालों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आइए चलिए चलते हैं। चारला डार्लिंग, जरा इस तरफ आके खड़ी हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू। मुझे बात करनी है तुझसे। किस बारे में? तो अच्छी तरह जानता है किस बारे में। हाँ ठीक है, करते हैं बात। डार्लिंग क्या हो गया तुम्हें? देखो प्लीज मुझसे कुछ छुपाना मत, सच सच बताओ। वशाक आई थी, वो भी एडा के साथ। क्या? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये औरत इस हद तक गिर सकती है, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे भी विश्वास नहीं होता, उससे से पागल हो गया था। एडा भी एकदम कंट्रोल से बाहर हो चुकी है निहात। बाय द वे एडा है कहाँ? पता नहीं, वो मुझे यहाँ दिखी तो थी पर शायद जल्दी चली गई। मुझसे नाराज होगी वो। खैर अब हमें अपने घर चलना चाहिए। ठीक है डार्लिंग, पर पहले जरा सिनान और एल्चिन को बाय बोल दें। ठीक है, गुड बाय। हाँ गुड बाय, चलो अब चलते हैं।
अच्छा एलचिन, अब निकलते हैं हम लोग। मिस चाला, आप बता सकती है हमें गुड न्यूज कब मिलने वाली है? आप लोगों को अभी तक पता नहीं है क्या? मैं और बुराक गर्मियों के बाद शादी करने वाले हैं। ओ, सच में? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? बुराक, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। मैं तुझसे आसली के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बकवास खेल खेलना बंद कर दे। देखो बुराक, आसले और मेरे बीच जो भी है उसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वोल्कान, आसले से दूर रह तू। मैं नहीं चाहता कि उसे और जरा सी भी चोट पहुंचे। अच्छा, तुम नहीं चाहते कि वो जरा भी हर्ट हो? मतलब आसले को अब तक मैंने हर्ट किया है? हा? देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी। तू इस झूठ को ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगा। देखो बुराक, मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ है। माइंड योर ओन बिजनेस। वोल्कान, देख मुझे गुस्सा मत दिला। अगर सबको पता चल गया कि वो कौन है तो उसकी माँ की जॉब चली जाएगी। तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखो चिंता मत करो भाई, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। और हाँ, एक और बात, मैं आसले और उसकी माँ का ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं। मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुराक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिहेवियर से मैं पहले ही तंग आ चुका हूँ। डैड, आप दूर रहिए। तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो चुके हो। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से निकलो और घर पहुंचो। बाकी बात मैं तुमसे घर पे करूंगा। डैड, ये मेरे और वोल्कान के बीच की बात है। मैं कह रहा हूँ आप दूर हट जाइए प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ बोलो? हाँ, तुम अपने बाप के खिलाफ बोल रहे हो? डैड, आप ठीक है? अंकल, डैड क्या हुआ आपको? डैड, तुम बहुत अच्छा कर रही हो असल। थैंक यू सो मच सर। शायद तुम इसी लड़के के साथ यहाँ आई थी ना? हाँ। फोटो के बिना ड्राइंग करना कठिन नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं लगता सर। मतलब ये लड़का तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा है? हाँ बोलो ना गौंचा। मैं क्लास में हूँ, क्या हुआ? असल यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो बुराक के डैड की तबीयत खराब हो गई है, अभी उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? बुराक कहाँ है? वो भी उनके साथ हॉस्पिटल गया है। सुनो, मैं क्लब से निकलकर घर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं भी पहुँचती हूँ। ओके सर, सर मैं निकल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, जा सकती हो। गुड डे मिस एमिल, शॉपिंग की लिस्ट बना ली क्या आपने? ये लीजिए। थैंक यू। मिस एमिल, आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? सही प्रोडक्ट्स चूज करने के लिए। शायद आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड्स यूज करती हो जो मुझे मालूम ना हो। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है, चलते हैं। सच में चलेंगे आप? अच्छी बात है, चलते हैं फिर। आइए। एडम, अरे तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था। हमारे यहाँ आज स्टफ लीव्स बनाई थी, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए ले आई। स्टफ लीव्स मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, वो टेस्ट करता हूँ। एंजॉय, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ऐसा है क्यों? अगर हमने ये दुकान किराए पर ली तो इस लड़की से तुम बात नहीं करोगे, सारी लड़कियों से मैं बात करूंगी। मेरा पेट एक्चुअली भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। ऊपर तक मैं खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा मेरा। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम बहुत क्यूट हो? मैं क्यूट हूँ? सच में ऐसा है क्या?
डॉक्टर साहब, मेरे डैड कैसे हैं आप? निहात कैसे हैं डॉक्टर साहब, बताइए। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो ठीक हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारा शक बिल्कुल सही था, ये एक हार्ट स्पैज़म है। थैंक गॉड, कम से कम ये हार्ट अटैक नहीं था। उन्हें आराम करने देना होगा, थोड़े रेस्ट के बाद वो घर जा सकते हैं। यहाँ पर रात भर रुकने की जरूरत नहीं है, पर आज के बाद आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। जी हाँ डॉक्टर। मिस्टर निहात को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिंदगी में अचानक से कोई इमोशनल चेंज आता है तो उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। गुड लक। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई मिस एमिल, मैंने इतनी जल्दी शॉपिंग कभी भी नहीं की थी। सामान भी बहुत अच्छा मिल गया, और वैसे भी ये मेरे काम का हिस्सा है। मिस एमिल, मैं जानता हूँ यहाँ पास में एक बहुत अच्छी बेकरी है, क्या हम वहाँ चलकर कुछ खा सकते हैं? जाना जरूरी है क्या? मिस्टर निहात का एक केक का ऑर्डर था, वो भी पिक कर लेंगे। मिस्टर निहात का केक का ऑर्डर है? निहात सर तो डाइट पर है ना? अंदर की बात है, कभी कभी वो मिसेस सेल्दा से छुप कर केक वगैरह खा लेते हैं। उन्हें मीठा पसंद होगा। वॉक करके चले, कार यहीं छोड़ देते हैं। शुक्रान का कॉल है। हाँ बोलो शुक्रान। क्या? ठीक है, हम जितना जल्दी हो सकता है वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? निहात सर की तबीयत बिगड़ गई है, हमें अभी वापस जाना होगा। ओके, फौरन चलते हैं। बैठिए, आइए। असल गौंजा, मिस्टर निहात की कोई खबर मिली क्या? उन्हें हार्ट स्पैज़म हुआ है। पर अब वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम श्योर हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने मिस्टर तुरगुत से फोन पर बात की। तुमने बुराक को फोन नहीं किया? क्या था, पर उसने उठाया नहीं। इट्स ओके डियर, वो बिजी होगा, फिर से कॉल कर लो ना। ठीक है। बुराक, उसने फिर से नहीं उठाया। बुराक बिजी होगा, वो हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उस पर ही है। नहीं, शायद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम असले? करेगा वो कॉल, करेगा। पर मुझे बहुत फिक्र हो रही है गौंजा। तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है? ऊपर वाले का शुक्र है, वो ठीक है। हम सब बहुत डर गए थे बुराक, आई एम सो सॉरी फॉर यू। ठीक हो ना तुम? जानती हो, वो मेरी आंखों के सामने कोलैप्स हुए, मैं वो पल कभी नहीं भूल पाऊंगा। ओ बुराक, इस बारे में मत सोचो। मिस्टर निहात एक स्ट्रांग इंसान है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग भी उन्हें हेल्प करेंगे ठीक होने में। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहुत अपसेट थी, ऊपर से मैंने पी ली, तुम्हें ऑकवर्ड कर दिया ना मैंने। कोई बात नहीं शाला, फिलहाल उस बारे में बात नहीं करते। ठीक है। ओ एलचिन, वो पिछले कुछ दिनों से बुराक को लेकर बहुत टेंशन में थे, और तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा थे, ये सब उन्हीं बातों का तो नतीजा है। अपसेट तो हम सब थे सेल्डा, लेकिन नियात को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं दुखी थी क्योंकि चारला अपसेट थी, मेरा रिएक्शन बुराक के लिए था। मैं जानती हूँ डियर, जानती हूँ मैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता है आज जब उन्होंने बशाक को देखा तो और टेंशन में आ गए थे। क्या क्या हुआ? वो एकदम बेशरम औरत है एलचिन, उसे किसी बात की शर्म नहीं है। सिर्फ निहात को अपसेट करने के लिए वो आज टूर्नामेंट में आ गई, वो भी एडा के साथ। एडा को काबू में कर रखा है उसने। विश्वास नहीं होता सल्डा, मुझे तो अब इस औरत से डर लगने लगा है सच में। एलचिन प्लीज, तुम केयरफुल रहना और हमेशा सिनान का साथ देना, हमें इस औरत के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। डार्लिंग, कैसे हैं सब? ठीक है, और तुम?
ठीक हूँ। निहात कैसे हैं? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ अंदर जाकर? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ। बेटर फील कर रहे हो? मैं कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू। बस करो बुराक, बहुत हुआ, चिंता मत करो। अब तुम्हारे डैड ठीक हैं, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इस मुश्किल वक्त में उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू, मैं पहले से बेहतर हूँ। इन्हें अब और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ सहरा, मैं समझ गया। मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बताना। थैंक यू एल्चिन, अब आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको। आई एम सो सॉरी। बाय बाय डियर। डरो मत, मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी बुराक। थैंक यू मिस एल्चिन। मॉम, मिस्टर निहात कैसे हैं? बेहतर है, बेहतर है। चल अब हमें चलना चाहिए। हाँ ज्यादा टेंशन मत लेना और अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो भाई। ऐदा कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। अंकल की तबीयत बिगड़ गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या क्या हुआ है उन्हें? अब वो ठीक है, उन्हें हार्ट स्पैज्म हुआ था। हार्ट स्पैज्म हुआ है? मैं फौरन आती हूँ, बताइए आप लोग किस हॉस्पिटल में हो? नहीं जरूरत नहीं, हम लोग निकल ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मॉम को क्लब में नहीं ले जाना चाहिए था। मेरे पास बहुत अच्छी खबर है निहात के बारे में। मुझसे मिलकर स्ट्रेस में आ गया और हार्ट स्पाज्म हो गया। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है मिस्टर निहात किस हॉस्पिटल में है? हाँ मुझे पता है, पर तुम वहां जाने की कैसे सोच सकती हो? सब लोग होंगे वहां पर। हाँ मुझे छोड़कर वहां सब लोग होंगे। मेरी प्यारी असलम, मैं जानती हूँ तुम टेंशन में हो, और टेंशन आखिर हो भी क्यों ना, पर अभी वेट के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? गौंजा, मेरे हाथ हमेशा ही बंधे रहते हैं, एक दिन ना मैं इसी वजह से पागल हो जाऊंगी। डियर, तुम इस कंट्री के सबसे एलिजिबल बैचलर के प्यार में पड़ी हो, अब उसका कोई ना कोई प्राइस तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। काश बुराक भी बस एक आम इंसान होता हमारी तरह। सच कह रही हूँ गौंजा, मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मैं तो ये पहले से जानती हूँ, और मुझे यकीन है कि बुराक ये बात जानता है। इसीलिए तो वो सारी लड़कियों को छोड़कर तुमसे कमिटेड हो गया है। कमिटेड, देखो कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। आसले डियर सुनो, मुझे लगता है वो फोटो चाला की ट्रिक है और कुछ नहीं, उसके ईवल प्लान का एक हिस्सा है, तुम्हें जल्द पता चलेगा। आखिर बुराक ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोलने के लिए भी चारला ने उससे कहा था? हाँ, ये बात मैं भी नहीं समझ पाई, उसने झूठ क्यों बोला होगा, गलत बात है। खैर क्या हम कोई सीरीज या फिल्म देख सकते हैं प्लीज, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, चलो। ठीक है, तुम जरा इसे ऑन करो और मूवी लगाओ, मैं अभी स्नैक्स लेकर आती हूँ। बाप रे, क्या दिन था आज का। पूछो मत, सरला की फैमिली के लिए तो बहुत बुरा, कितना दुखी था। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, उसके डैड हैं वो, आई होप कि अब वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। देखते हैं मिस्टर निहात कितने ज्यादा स्ट्रेस में होंगे ना। कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और ऊपर से काम का भी स्ट्रेस रहता है ना। मे बी अब वो रिटायर हो जाएंगे,
और आगे से सिनान ही बिजनेस संभालेंगे। क्या पता, फिलहाल तो उन्हें आराम करना चाहिए। आइडिया अच्छा है। आप सिनान की होने वाली बीवी के नाते काम में उनकी मदद कर सकती हैं। ये बात कहाँ से आई चारला? तुम्हें पता है मुझे इन चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, और ऊपर से उन दोनों के बच्चे हैं जो बिजनेस संभाल सकते हैं, और मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है। मतलब ओके मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, आराम कर रहे हैं। हमें चलना चाहिए, उन्हें आराम की जरूरत है। इस हफ्ते उन्हें काम पे आने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जो तुम हमारे लिए कर रहे हो। ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डियर। कैसे हैं आप बेटा? मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए आपको? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जानता हूँ। खुद को दोषी मत ठहराओ बुराक, मेरे हार्ट ने मुझे वार्निंग दी थी, अब से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। आप आराम कीजिए डैड, काम पर मैं जाऊंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप किसी तरह की फिक्र मत कीजिए। ओके ठीक है ठीक है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं ज्यादा दिन घर पे भी तो नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, आप घर पे रह के रेस्ट करेंगे, और अब बुराक है ना, वो बिजनेस संभालेगा। मुझे लगता नहीं कि तुम ये चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि घर पर रहकर मैं ठीक नहीं हो सकता। क्यों ठीक नहीं हो सकते निहाद, अब तुम रिटायर हो जाओ ना। ओके ओके, देखेंगे, वक्त आने पर सब देखेंगे। उफ, अब देखना ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार ही नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता, जब आप किसी से प्यार करते हो तो छुपाने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो फिर चिल्ला कर इजहार करना चाहिए। असल सुनो तो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कह रही हो गौंजा? मैं कह रही हूँ आदमी जब सच्चा प्यार करता है तो वो इजहार करता है, सीना तान कर इजहार करता है, जैसे बुराक ने तुमसे किया था। अरे उसका नाम लेना बंद करो ना गौंजा। हाँ, समझ रही हूँ मैं, तुम अब भी उससे नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, पर तुम उसे मिस कर रही हो। मैं भला उसे क्यों मिस करूंगी? हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। क्या इतनी जल्दी? अभी तो बस 9 ही बज रहे हैं। 9 बजा है? तुम कभी इतनी जल्दी नहीं सोती। 9 ही बजा है क्या? मैं सोने जा रही हूँ। डैड कैसा है मॉम? वो सो गए हैं बुराक। और आप कैसी हो? पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी उनके लिए, उन्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते बेटा? मॉम प्लीज वो बारे में अब मत सोचो, देखो अब वो बेटर फील कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। बुराक तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, उन्हें प्लीज किसी तरह का कोई टेंशन मत देना, प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि उन्हें टेंशन हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सुधर जाओ, मैं खुद भी इस बात से बहुत परेशान हूँ बेटा। ओके मॉम ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, आप प्लीज रोइए मत। हाँ ठीक। देखा वो मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहा है, गिल्टी भी है और इनोसेंट भी। उसे कॉल करूं या नहीं? पर मैं एक कॉल में ही उसे ऐसे माफ नहीं कर सकता, वहां नहीं रुकना चाहिए था उसे।
मैं बस तुम्हारे डैड का हाल जानना चाहती थी। अच्छा तो तुम्हारे वोल्कान ने तुम्हें बता ही दिया, क्या बात है। तुम्हारे वोल्कान का क्या मतलब है? तुम उसके इतने करीब हो कि तुम उसके वहां रुक गई थी। और तुम्हारे उन रातों का क्या बुराक? किन रातों की बात कर रही हो तुम? तुम मुझसे पूछ रहे हो उन रातों के बारे में? मुझे विश्वास नहीं होता बुराक, तुम कैसे इंसान हो? ये लड़का तो मुझे पागल कर देगा। ऐसे फोन मत काटो, मत करो ऐसा। कितनी जिद्दी हो तुम। अब आगे क्या होगा? वो मुझसे अब भी झूठ बोल रहा है और मुझसे पूछ रहा है मैं किसके साथ रात बिता रही थी। नहीं असले ऐसा तो नहीं कह रहा वो। किसकी बात कर रही हो, कौन पूछ रहा है? मैं बुराक की बात कर रही हूँ, और किसकी बात करूंगी गोंजा। तुमने उसे कॉल किया? हाँ अभी हमारी बात हुई। वो अभी भी चारला के साथ अपनी मीटिंग की बात छुपा रहा है। एक मिनट, तो तुमने उसे कॉल किया? तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है अभी गोंजा? मैंने नहीं किया, मैसेज किया। पर मैंने मैसेज क्यों किया? तो सुनो, मैंने कॉल किया पर उसने कॉल पिकअप नहीं किया। तो मैंने मैसेज किया ये जानने के लिए कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, और उनके बारे में जानकर मुझे दुख हुआ। फिर तो सही किया तुमने, सही किया। एनीवे, मैसेज करने के बाद क्या हुआ ये बताओ। फिर क्या, वो मुझे अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे वोल्कान ने तुम्हें बता दिया ना, तुम वोल्कान के इतने करीब हो गए कि उसके यही सो गई। वो सही तो कह रहा है। क्या कह रही हो? देखो डियर, सुनो, अगर आर्डम किसी लड़की के साथ रात गुजारे और उसके घर जाकर सो जाए तो मैं तो उसे जान से ही मार डालूंगी। सच कह रही हूँ, उसे छोड़ूंगी नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे गोंजा, वो बात अलग है। मैं वोल्कान के यहाँ जानबूझकर नहीं रुकी, वहां मेरी आंख लग गई। अरे असल मैं सच कह रही हूँ, बुराक इस बारे में ज्यादा अपसेट है। क्या पता वोल्कान ने उसे कुछ कहा हो। हो सकता है उसने बुराक को अपसेट करने के लिए कुछ झूठ बोला हो ताकि तुम्हारा रिलेशन टूट जाए। नहीं गोंजा, वोल्कान ऐसा नहीं करेगा, वो अच्छा है। क्या पता। देखो वोल्कान मुझे हमेशा बड़ा मिस्टीरियस टाइप का लगता है, जैसे बाद में जाके पता चलेगा कि सच क्या था। नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत नरम दिल का और सेंसिटिव इंसान है। मुझे ऐसा नहीं लगता असल। मैं दोस्त के नाते तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, इतना ट्रस्ट मत करो, वो भी तब जब बुराक उससे इतना जेलस है। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती, वोल्कान उसका कजिन है, उससे क्यों जलता है? और क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें पता है वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? ताकि वो अपनी गलती छुपा सके मुझे ब्लेम करके। एक मिनट असले रुको, मतलब वोल्कान बुराक का कजन है? इसका मतलब बुराक उसे बचपन से जानता है, शायद इसीलिए वो उससे जेलस है। एक मिनट रुको, मुझे ढंग से इस बारे में सोचने दो, सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। सोचो, तुम सोचो। नहीं नहीं नहीं, बुराक को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नेहा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए बोलो ना। मैं ठीक हूँ डार्लिंग, एकदम ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। अरे सेल्ना मैं ठीक हूँ, तुम बेकारी बिना बात के परेशान हो रही हो। मैं ठीक हूँ। नेहा तुम्हें इसी वक्त मुझसे एक वादा करना होगा डार्लिंग, तुम स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बिल्कुल दूर रहोगे। तुम अपने वजन को भी कंट्रोल करो, रेगुलरली वॉक पे जाओ, और अगर मैं तुम्हें कुछ करने से रोकती हूँ तो तुम मेरी बात मानोगे, वादा करो मुझसे। ठीक है सेल्ना, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम जानते हो नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी डार्लिंग। मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी कहीं जा रहा हूँ। ठीक। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिनों के बाद कर सकते हैं? मतलब तुम भी ना मजाक कर रहे हो। या उसे कहा वेट मत करो।
बुराक का कॉल है। क्या? मत उठाओ। अरे ऐसे कैसे नहीं उठाऊं, उसे रूड लगेगा ना। अगर उठाना है तो उठा लो, पर मत बताना कि मैं घर पर हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो बुराक। हेलो गौंजा, आसले मेरा फोन नहीं उठा रही है, क्या तुम उसे फोन दे सकती हो? हाँ हेलो ना। क्या कर रही हो तुम गौंजा? उसकी आवाज सुनने के बाद मैं झूठ नहीं बोल पाई। हाँ बोलो। आसले मैं नीचे हूँ, नीचे आकर मुझसे बात करो। नहीं आसले मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ ना। कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी रात को दरवाजा खटखटाओगे? खुद ही देख लो। आसले प्लीज जाके उससे बात कर लो, वैसे भी हमारी मोहल्ले में इज्जत नहीं है, मेरा भाई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ जाओ प्लीज उससे बात कर लो, प्लीज जाकर बात कर लो। मेरे पास इसका झूठ सुनने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें मिलना है तो जाके मिल लो। बस बहुत हुआ आसले, तुम जिद्दी हो वो जिद्दी है, मैं बेचारी बीच में फंस गई। मैं नाराज हूं उससे। सॉरी। हाँ बुराक, डैड कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू। गौंजा आसले कहाँ है? बुराक वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, देखो प्लीज जिद मत करो ना। क्यों जिद ना करूं, इतना आसान है क्या? उसे पता था मैं गुस्सा होऊंगा, फिर भी वो वोल्कान के वहां रुकी, अभी भी ऐसे बिहेव करी जैसे वो इनोसेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या वजह थी वहां रुकने की। अगर ये सवाल तुम खुद से पूछोगे ना तो शायद तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। मैंने क्या किया है? देखो बुराक, तुम मेरे और आसले के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दोगे, मेरे भैया कभी भी आते होंगे, वैसे भी हमारे पड़ोसी हमें पसंद नहीं करते। प्लीज बुराक, बात करने के लिए ये जगह सही नहीं, तुम्हें उससे बात करनी है तो कल दुकान पर आ जाओ और उससे बात करो, ठीक है? ठीक है गौंजा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुराक टूट चुका है, पहले उसके पापा और अब तुम। मुझे खुद भी ये सब नहीं अच्छा लगता है गौंजा, पर हमेशा मैं ही हूं जो माफी मांगती हूँ। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकती। सच में इस बार मेरा दिल टूट गया है और मैं इसे बार बार नहीं जोड़ सकती हूँ। क्या यही प्यार का मतलब है, इसमें इतना तड़पना पड़ता है? ओ मेरी प्यारी असल, जब से मैं उससे मिली हूँ बस स्ट्रगल ही किया है मैंने, कितना कुछ झेलना पड़ा है मुझे, मैं खुद को और अपनी वैल्यूज को भूल चुकी हूँ। मैं समझती हूँ आसले, मैं समझती हूँ। बुरा मत मानना गौंजा, पर देखो हम कहाँ रहते हैं, खुद का घर भी नहीं है, दूसरों के घर में रह रहे हैं। ऐसा मत कहो आसले, ये तुम्हारा भी घर है। पर ये सच है गौंजा, हमारे पास अपना घर नहीं है। सुनो ना आसले, एक काम करते हैं, हम लोग साथ मिलकर तुम्हारे लिए घर ढूंढते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम आइटम से पैसे ले लेंगे, क्या कहती हो तुम? बिल्कुल नहीं गौंजा, मैं उससे मदद बिल्कुल नहीं ले सकती, वो खुद का एक बेकरी खोलने वाला है, हमें तो उल्टा उसकी मदद करनी चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। बात तो ये भी सही है। सॉरी मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल अपसेट नहीं हुई, सच में मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगी। थैंक यू सो मच। ओफो, कितना ड्रामा किया हमने, चलो अब जाकर सो जाते हैं। ठीक है तुम जाकर लेटो, मैं सफाई करके आती हूँ। ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं बस दो चीजें ही तो हैं। ठीक है जल्दी आना। ठीक है। Emsali o
çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi, şimdi yalnız kalanım. Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi, nasıl başa sararım. Çarelermiş, umutlarmış, hep yol varmış, yalan dualarmış, adaklarmış, hiçbiri tutmadı, gelmedin ama. Küstüm ben kendimle, affedemem asla, gençliğimde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu hep yıllarım. Bir şansın daha var, sil baştan deseler, ben akıllanmam, yine aynısını yaparım. बुराक तुम्हारे साथ सिर्फ मौज मस्ती कर रहा है, सिर्फ 3 दिनों के लिए। या तो मैं या फिर उसकी फैमिली इसे आगे बढ़ने से रोक ही देंगे। ये छोटी सी बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। Daha yanarım. Dostluklarmış, vefa varmış, soranım yok ki yalan. Ölüp kalsam duyan olmaz, İyice bitap düştüm vurduğu zaman. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Gençliğimde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir मेरे भाई। What's up? सब बढ़िया? बढ़िया है। कैसे हो बुराक, सब ठीक है ना? सब ठीक है। आ जाओ, मैंने चाय बनाई है, ताजा है, चाय पीते हैं। ठीक है, बैठो ना प्लीज। आसले नहीं आई? वो घर पर है। वो मेरी वजह से नहीं आई ना यहाँ? हाँ, तुमने सही समझा, असले तुमसे नाराज है बुराक। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो वो हर्ट हो गई है? बुराक, असले को सारा सच मालूम है। मैं पागल हो जाऊंगा, ये कौन सा सच है जो उससे पता और मुझे नहीं? कि तुम छुप छुप कर चाला से मिलते हो। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.